तो वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का संवाद कार्यक्रम समाप्त हो गया। पीसीसी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक खत्म होने के साथ ही माकन का फीडबैक कार्यक्रम समाप्त हो गया है। इससे पहले दो दिन तक माकन ने विधायकों से वन टू वन संवाद किया, तो वहीं आज माकन ने कांग्रेस पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों के साथ मंथन किया। इसके बाद माकन मीडिया से भी रूबरू हुए। तो अजय माकन का संवाद कार्यक्रम आज समाप्त हो गया। आपको बता दें कि दो दिन से लगातार सभी विधायकों के साथ उन्होंने वन टू वन कन्वर्सेशन की, उनका फीडबैक लिया। सभी विधायक क्षेत्र के विकास से संतुष्ट है, विकास कार्य तथा जन जन तक पहुंचाने को लेकर के दो दिन तक चर्चा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन की रही। 115 विधायकों से विधानसभा में और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष से और दिल्ली में ही सचिन पायलट जी से, सीपी जोशी जी से भी सब लोगों से मैंने बात करी। और मुख्यतः 2023 में किस प्रकार से हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार को वापस ला सकते हैं, इसकी चर्चा सबसे करी। आज यहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के अंदर भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा करी और कई बिंदुओं के ऊपर बात करी कि किस प्रकार से कांग्रेस के संगठन और सरकार में बेहतर समन्वय हो सके, ताकि हम लोग मिल करके 2023 में कांग्रेस पार्टी को वापस लेकर के आ सके। मुझे खुशी है इस बात की। दो चीजें मैं सिर्फ कहना चाहूंगा इसमें कि जब मैं विधायकों से बात कर रहा था तो मुझे हर विधायक ने मुझे इस बात के लिए बताया कि किस प्रकार से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं, चाहे पीएचसी की बात हो, सीएचसी की बात हो, ऑक्सीजन प्लांट्स के लगाने की बात हो, चाहे महात्मा गांधी स्कूल की बात हो, चाहे कहीं पे नए हॉस्पिटल्स की बात हो, कहीं स्कूल्स के अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे कहीं पे पीने के पानी की व्यवस्था करने की बात हो, सड़कों की बात हो, कॉलेजेस की बात हो, एग्रीकल्चर कॉलेजेस की बात हो, टेक्निकल कॉलेजेस की बात हो, ट्रॉमा सेंटर्स की बात हो, तो जब एक के बाद एक विधायक आकर के और साथ में ये बता रहे थे कि उनके इतने सैंक्शन हुए, इतने शुरू हो गए, तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमारे राजस्थान की सरकार और कांग्रेस के तमाम विधायक संतुष्ट हैं और वो सबके सब लोग विकास के गति पकड़ करके आगे चल रहे हैं। और यही बात आज हम लोगों ने यहाँ पर कार्यकारिणी में कही और सभी हमारे साथियों ने मिलकर के इस बात को तय किया कि हम लोग सरकार के और विधानसभा के अंदर जो कार्य हुए हैं विधायकों के द्वारा और दूसरे सरकार के कार्य हुए हैं उनको हम जन जन तक पहुँचाएंगे। और दूसरा, मुझे इस बात की भी खुशी हुई है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो मांग तो करते ही हैं। जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत तौर के ऊपर हर व्यक्ति की अपनी आशाएं आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे भी विधायक और ऐसे भी ओहदेदार मिले जिन्होंने ये कहा कि वो सरकार के पद को भी छोड़ करके वो लोग अगर जरूरत पड़े कि अगर हम लोग संगठन को मजबूत करना पड़े, उन्होंने मेरे को खुद का मेरा उदाहरण याद दिलाया कि 2013 में कैसे मैंने भारत सरकार में उस वक्त कैबिनेट से इस्तीफा देकर के राहुल जी के साथ में आईसीसी जनरल सेक्रेटरी बना। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम लोग मंत्रिमंडल को छोड़ करके हम संगठन के लिए भी कार्य करने को तैयार हैं। हमारे कई ऐसे मंत्री भी मुझे मिले, मैं दिल की गहराइयों से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तो हमारे संगठन के अंदर सही बात है, हर जगह के ऊपर आशाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन हमारे संगठन के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि सरकारी ओहदों को भी छोड़ करके संगठन के लिए काम करने के लिए आतुर हैं। हमें ऐसे लोगों पर गर्व है और सरकार के अंदर जो विकास के कार्य हुए हैं और ऐसे हमारे साथी जो कि संगठन के लिए सब कुछ छोड़ करके कार्य करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों के साथ में मिल करके मैं समझता हूं कि हम लोग वापस 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। बहुत लोग हैं और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब ऐसे लोग हैं जो लोग खुद कहते हैं कि हम लोग संगठन के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और हम लोग सरकार के अच्छे कामों को और सरकार को वापस कांग्रेस कैसे आए, हम लोग उसके लिए जमीन पे काम करेंगे। मंत्रिमंडल का
और राजनीतिक नियुक्तियों का, हमारे प्रदेश के अंदर रिक्त जो जिला और ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनका, इन सब चीजों के ऊपर हम कार्य और मंत्रणा सबसे कर रहे हैं। कल जब मैंने विधायकों से मुलाकात करी तो मैंने उनसे भी चर्चा करी, एक जो प्रश्नावली था उसके अंदर जिला और ब्लॉक में किस प्रकार से हम मजबूत कर सकते हैं वो भी था। आज भी जब हम लोगों ने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो पदाधिकारियों से चर्चा करी तो उसमें भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा करी, तो ये एक निरंतर चर्चा सब लोगों से हो रही है और अच्छे लोगों की नियुक्तियां अच्छी जगह के ऊपर होंगी और जल्द होंगी। किसी को लेकर के कोई शय नहीं है, जैसे मैंने पिछली बार कहा मैं दोहराना चाहता हूं कि सब कोई, हर कोई हाई कमांड के ऊपर पूरा विश्वास रखता है और उन्होंने कहा है कि जो हाई कमांड तय करेगा, जिस भूमिका के अंदर तय करेगा, वो सबको मंजूर है, हर एक व्यक्ति। पीसीसी के अंदर ये प्रस्ताव आज सर्वसम्मति से पास हुआ है और रामलाल जाट जी ने प्रस्ताव रखा था और सर्वसम्मति से उसको पास किया गया और उसके अंदर ये कहा गया है कि निम्बाराम को एकदम से उनको जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए और सभी लोगों ने मिलकर के पीसीसी प्रेसिडेंट का सपोर्ट किया, उनको समर्थन किया और उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है।